मंकी पॉक्स की गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसको लेकर आपातकाल का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया में इस वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य और पूर्वी अफ्रीके से शुरू हुआ ये संक्रमण अब भारत के करीब तक पहुंच आया है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 मामले पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पहला मामला सऊदी अरब के वापस आए एक शख्स में पाया गया, जबकि 34 साल का शख्स 3 अगस्त को सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा था। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसकी जांच करवाई थी और 13 अगस्त को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। क्या है मंकी पॉक्स वायरस? बता दें कि मंकी पॉक्स वायरस सबसे ज्यादा मामले अफ्रीका में सामने आए। ये महामारी फैलने वाला वायरस है। यह चेचक जैसा ही वायरस है और जानवरों से इंसानों में फैलता है। इंसान में पहुंचने के बाद ये तेजी से फैलने लगता है। 1958 में इस वायरस की सबसे पहले पहचान की गई। मध्य और पश्चिमी एशिया में इसके सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं। यहाँ लोग जानवरों से ज्यादा करीब भी रहते हैं। क्या है एमपॉक्स? से संक्रमित होने पर शुरुआत में बुखार होता है, आमतौर पर पूरे शरीर में चक्के पड़ने लगते हैं। ये चक्के चेहरे और गुप्तांगों पर भी हो सकते हैं। ये सफेद और पीले फुंसी का भी रूप ले सकते हैं, इसमें मवाद भरा होता है। इन चक्तों में खुजली और दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी होने लगता है। हालांकि इस वायरस से विरले ही मौत होती है, लेकिन आमतौर पर ये खुद ही ठीक हो जाता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक वायरस के संक्रमण में आने के 21 दिन बाद तक लक्षण सामने आते हैं। वहीं ये 14 से 21 दिन तक रहता है। इसके बाद ये खुद को ही ठीक करने लगता है। इस बीमारी की वैक्सीन भी होती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये वायरस फैलने लगता है। यौन संबंधों और त्वचा के कॉन्टैक्ट में आने से संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। आँख, श्वास, नाक और मुंह के माध्यम से ये वायरस प्रवेश कर सकता है, जबकि संक्रमित व्यक्तियों द्वारा छुए गए सामान जैसे बिस्तर, तौलिए आदि से भी ये सब संक्रमण फैलने लगता है। इसके अलावा चूहा, गिलहरी और बंदर के संपर्क में आने से ये वायरस फैल सकता है। अब देखना ये है कि अभी अभी कोरोना वायरस कुछ ही समय पहले खत्म हुआ है। अब एक महामारी के बाद अब मंकी पॉक्स नाम की दूसरी महामारी इंसानों के ऊपर भावी पड़ने लगी है। अब ऐसे में क्या होगा? क्या फिर से सबको वैक्सीन लगेंगी और बूस्टर डोज लगेंगे, या फिर खतरा और भी ज़्यादा है? ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।